हमार वेन स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के संगे। एक कई जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव खातिर ओके व्यवस्था खातिर प्रशासन लाखन रुपया पंचायतिन में खर्च करत हवे, तो वहीं दूसर कई प्रशासन में बैठे जिम्मेदार अधिकारी कौन मेर से प्रत्याशी और समर्थन खातिर व्यवस्था करे, हाँ ओकर वानगी देखे के मिली अपना का रीवा जिला के नई गढ़ी क्षेत्र में। अपना का बताई रही कि जनपद पंचायत नई गढ़ी के ठाकुर गोपाल शरण सिंह सभागार में ही त्रिस्तरीय पंचायत के होए वाले चुनाव खातिर चुनाव चिन्हन का आधी रात तक बांटागा। बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप सरपंच का चुनाव लड़ी हैं? हाँ। किस ग्राम पंचायत से? भीर ग्राम पंचायत से। क्या नाम है आपका? राजकली। कितने बजे आप लोग आए हैं यहाँ जनपद में? आज 11 बजे से यहाँ बैठे हैं। पानी होने की कुछ व्यवस्था की गई है? अच्छा, बैठ। और व्यवस्था के बारे में जैसा कि आप लोग पूछ रहे थे, तो यहाँ की व्यवस्था काफ़ी जर्जर है। यहाँ बैठने के लिए प्रत्याशियों को, महिलाओं को, नागरिकों को, जो मतदाता भाई आए हैं प्रस्तावक, उन लोगों को बैठने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं है। हमारी ये बहनें आई हुई हैं, वो भी प्रत्याशी हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्राम पंचायत से, उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। और मेरा शासन प्रशासन तक ये आप मेरी बात पहुंचाइए कि जो भी यहाँ के मतदाता भाई, नागरिक और जो भी अभ्यर्थी और आपके प्रस्तावक जो भी आए हैं, उनको उनके लिए अच्छी व्यवस्था मुहैया कराई जाए। से धन्यवाद। किस ग्राम? जिला पुलिस एक थे सातिर चोर गैंग का गिरफ्तार करी सी। भाई अपना बताई दी कि यह चोर के गैंग 82 चोर इनके खुलासा करें ही। भाई ये चोरन के लगे से 400 ग्राम सोन और 24 किलो 900 ग्राम चांदी से बने जेवर पुलिस बरामद करी नहीं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में आज बड़ी संख्या में न सिर्फ चोरियों का खुलासा हुआ है, अपितु बड़ी मात्रा में हमको आज उनका बरामद हुआ है। काफ़ी लंबे समय से हम लोग इस गैंग की तलाश में थे। इस गैंग के द्वारा लगातार नकबजनी सेंधमारी घटनाएं की जा रही थी। पूर्व में जब इस गैंग के कुछ लोगों को पकड़ा गया था, चोरियों पर अंकुश लगा था, इसके पश्चात जेल से बाहर आने के बाद उन लोगों की टीम ने पुनः ये गतिविधियाँ प्रारंभ की थी। पिछले लगभग 1.5 महीने से हम लोगों ने कॉम्बिंग गश्त के दौरान भी प्रयास किया था उनको पकड़ने का, परंतु हमारी टीम को पूरी सफलता नहीं मिली थी। परंतु ये टीम लगातार लगी रही, इसने अपना मुखबिर तंत्र डेवलप किया और मुखबिर की सूचना पर परसों हमको एक साथ 8 लोगों को पकड़ने में, राउंडअप करने में सफलता मिली। बुलेटिन की अगली खबर मनिगवा थाना से है, जहां के महुआ के रहने वाले राकेश सिंह रीवा पुलिस अधीक्षक का लिखित शिकायत दई के कहिन के रीवा माँ जौन उनकर जमीन ही बह ओ माँ अनिल प्रताप सिंह, भोलानाथ पटेल और दूसर कब्जा करे खातिर कोशिश कर रहे हमा। पीड़ित बताएं कि आरोपी उनके बाउंड्री और उनके घरे के ताला टोर के पिलर करवाए रहे हमा। एक साथ है पीड़ित कहिन के आदेश के बाद बीट प्रभारी और उप निरीक्षक सौरभ सोनी थाना में ही कहिन के अलग से कोनो आदेश ले आवा तब जाए के हम कार्रवाई करब, जबकि नायब तहसीलदार कहे हमा के कब्जा दबाए के बाद अगर कोनो मेर के स्थगन कोर्ट से जारी हवे तो यह दोनों पार्टी में लागू हुई। बाउंड्री बनी है, घर बना है, आपको भी आप भी देखे हैं, खाली करवाए, सब कुछ करवाए, अब कैसे मान ले वो तुम्हारा घर है कि उसका, ये बताइए, ये कैसे मान ले हम? ये तो माना जा सकता है कब्जा मेरा, मैंने ताला बंद किया, मेरा मकान बना हुआ नहीं मान, तो ताला तोड़ दिया मानो तो यही चलेगा। हाँ तो ताला तोड़ दिया, वहाँ से तहसील से लिखवाइए ना, परिवाद दायर कीजिए, तहसीलदार से लिखवा के लाइए, हमारी जमीन का हमारा ताला तोड़ दिया, मेरे गेट का ताला तोड़ दिया, लेके आइए हम कार्रवाई करते हैं। हम तो पुलिस के पास ही जाएंगे, ताला तोड़ा हमारे बाउंड्री में घुसा, हमारा ताला तोड़ा, हमारा घर तोड़ा, पता ही नहीं है किस जमीन का ताला तोड़ा, हमने कल आपके यहाँ आवेदन दे दिया है, तो आवेदन से हम लोग को पता चल जाएगा किस जमीन का ताला है। सर क्यों नहीं हम अपना नंबर दे रहे हैं, हम रिपोर्ट करता आपके पास आ रहा है, आप वहाँ से वेरीफाई तो करवा के लाइए कि ये हमारी जमीन का ताला है। अब आप घर बना है, आप खुद देखे हैं? देखे से नहीं होता है, फालतू की बात कर रहे हैं आप, लिखित में लेके आइए कि आपकी जमीन थी, आप ही का ताला था और तोड़ दिया गया है, तहसीलदार लिख के देंगे, मैं अभी FIR कर दूंगा। तो सर घर हमारा है, हम बता रहे हैं आपके पास, नहीं होता ना, कल को वो पार्टी फिर से कुछ ले आएगी, तुम हमें पार्टी बनवा दोगे। रीवा माही कलेक्टर मनोज पुष्प महिला और बाल विकास विभाग जो उनके आंगनवाड़ी माही भजन अभियान के तहत जो बच्चन के भजन ले खातिर कार्यक्रम की जाला है, ओकर मौका में जाके जांच करें। अपने को बताई दी के समय कलेक्टर के संगे पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन घलाए रहे।
प्रदेश शासन के द्वारा बच्चों के वजन और उनके वेट का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी आज शुरुआत हुई है। और इसके द्वारा जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका माल न्यूट्रिशन का केस बन सकता है, उन सभी की पहचान की जा रही है। उनको कोशिश की जाएगी कि सभी को जब NRC भर्ती करके और अदर सुविधाएं प्रदान करके उनके जो हेल्थ के इश्यूज हैं उसको कैटर करके इन सभी को अच्छे स्वस्थ बच्चे बनाकर और भारत के अच्छे नागरिक बनाने की कोशिश होगी। इसमें हम लोग स्थानीय स्तर पर भी एक विशेष अभियान चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत इन सभी बच्चों को किसी न किसी अधिकारी को या ऐसे व्यक्ति जो आंगनवाड़ी या जिन्होंने गोद लिया है वो इनके संपर्क व्यक्ति बनेंगे, उनके घरों में भी जाएंगे, इनसे मिलेंगे और अगर इनके कोई हेल्थ इशू हैं तो उसको हम देखेंगे और अगर इन्हें किसी अलग से सहयोग की ज़रूरत है, किसी सपोर्ट की आवश्यकता है न्यूट्रिशन इनकी बढ़ाने के लिए। आज के बुलेटिन में इतने, बघेली में खबर खातिर देखते रहिए अरविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।